वेलकम बैक टू चैनल सिविल इंजीनियर से तैयारी। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि आपका जो स्टीरअप होता है ना, जो कॉलम में बांधते हैं, ठीक, उसको स्टीरअप बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जो हमारा उसकी कटिंग लेंथ क्या होनी चाहिए और उसका हुक कितना होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका 90 डिग्री पर मोड़ते हैं हम उसको, तो वो कितना डेवलप करता है, मतलब कितना बढ़ता है। 45 डिग्री पर मोड़ते हैं तो कितना बढ़ता है, 135 मोड़ते हैं तो कितना बढ़ता है, ठीक है। तो आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे प्रॉपर तरीके से, साइड पर विजिट कराते हुए ये चीज़ आपको दिखाते हैं। ओके, बने रहिए लास्ट तक, देखते हैं मज़ा आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स तो ये हमारी साइट है जहाँ पर अभी रिंग बन रहा है, ठीक है। तो आज हम बताते हैं आपको स्टीरअप के बारे में कि अगर आपका कॉलम है तो कॉलम का रिंग कैसे बनाएंगे, क्या कटिंग लेंथ होगी, ठीक है। आपका रिंग का कटिंग लेंथ क्या होगा, स्टीरअप का कटिंग लेंथ क्या होगा, उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि आपका कॉलम है, कॉलम का साइज आपका जो है, कॉलम का साइज आपका 9x18 का है, ठीक है। हम जानते हैं कि कॉलम की जो कवरिंग होती है वो 40 mm होती है। 40 mm का मतलब कि 1.5 इंची, तो 1.5 इंची आपका मतलब कि अगर जब हम रिंग बनाएंगे तो उसमें उसका जो एक्चुअल साइज है कॉलम का, कॉलम का जो एक्चुअल साइज, जैसे कि हम अभी साइड पे हैं तो आपको बता देते हैं ऐसे ही, जैसे कि एक्चुअल साइज, जैसे कि ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है। एक्चुअल साइज ये 18 इंची हो गया, ये 9 इंची हो गया, ठीक। ये हमारा साइज है, इस साइज में हमें कॉलम को लाना है। तब कवर ब्लॉक हम क्या करते हैं, कवर ब्लॉक और रिंग जब बनाएंगे तो उसमें कवर ब्लॉक माइनस कर देंगे, यानी कि 1.5 इंची इधर, ऐसे 1.5 इंची दोनों तरफ माइनस कर देंगे, 1.5 इंची इधर, 1.5 इंची इधर, 1.5 इंची इधर और 1.5 इंची इधर माइनस कर देंगे, ठीक है। जब 1.5 इंची हम माइनस कर देंगे तो 1.5 इंची इधर से माइनस कर दिए, 1.5 इंची इधर से माइनस कर दिए तो 3 इंची हो गया, 3 इंची इधर, 1.5 इंची इधर से और 1.5 इंची इधर से, तो ये भी 3 इंची। तो मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कॉलम का आपका जो है कॉलम 9x18 का है तो रिंग का साइज जो होगा वो आपका 6x15 का होगा, ठीक है। 1.5 इंची उसमें कवरिंग होगा, यानी कवर ब्लॉक लगेगा आपका, ठीक है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, कटिंग लेंथ जैसे निकालना हो तो जैसे कि आपका 9x18 के कॉलम के लिए स्टीरअप का आपका कटिंग लेंथ निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप जो रिंग बना रहे हैं, रिंग बना रहे हैं आपका कितना, 6x15 का, तो 15 इंची एक तरफ हो गया और 15 इंची दूसरी तरफ, यानी कि 30 इंची और 6 इंची एक तरफ, 6 इंची एक तरफ, ठीक, तो 12 इंची, मतलब कि 42 इंची आपका हो गया, ठीक है। तो 42 इंची तो आपका ये हो गया। अब होता है हुक, हुक कितना होना चाहिए, हुक का आपका जैसे कि पढ़े होंगे आप लोग कि हुक जो होता है 10D होता है। अब 10D जैसे 8 mm का, अब इसमें D क्या है, 10D में D जो है वो आपका डायमीटर ऑफ बार है, ठीक है। कितने डायमीटर का आप स्टील बार इस्तेमाल कर रहे हैं वो है, तो जैसे 8 mm का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, और तो आपका हुक कितना होगा, तो आपका हुक हो गया 80 mm, 80 mm का मतलब आप कह सकते हैं कि 3 इंची, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि इसमें आपका हुक कितना रहता है, 2 हुक बनता है, ठीक। अब 2 हुक का 3 3 इंची, 3 3 इंची का मतलब 6 इंची, ठीक है। अब 6 इंची तो आप ऐसे घटा देंगे, ठीक, अब 6 इंची घटाएंगे, 6 इंची बढ़ा देंगे, यानी 42 इंची पहले था और 6 इंची और, तो 42 इंची कितना हो गया, 48 इंची, यानी 48 इंची तो आपका निकल आया कटिंग लेंथ है। बट उसमें एक और चीज़ अभी हम डालना है, ठीक, एक और चीज़ माइनस करना है। अब उसमें हम माइनस करेंगे कि आपका जो हम उसको एंगल में प्रोवाइड करते हैं, जो उस एंगल में मोड़ते हैं, तो उस एंगल में मोड़ने के बाद वो क्या करता है कि स्टील जो है बढ़ता है, स्टील की लेंथ बढ़ती है, ठीक है। तो अब जैसे ना कि अगर आप 45 डिग्री पर अगर मोड़ रहे हैं तो 1D बढ़ता है, 90 डिग्री पर मोड़ रहे हैं तो 2D बढ़ता है, 135 डिग्री पर मोड़ते हैं तो आपका बढ़ता है कितना, 3D। तो अभी हमारा जो रिंग है उसकी साइज वो जो है हम 90 डिग्री पर मोड़े हैं, ठीक, 90 डिग्री पर बेंड किए हैं इसको। तब इसमें आप देख लें कि बेंड कितना है, एक
दो, तीन, एक चार और एक नीचे वाला पाँच, ठीक है, पांच बैंड है। पांच बैंड का मतलब क्या हो गया कि आपका फाइव, आपका जो है 90 डिग्री पर मुड़ रहा है तो 2D, 90 डिग्री पर मुड़ रहा है तो मतलब 2D हमारी लेंथ वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो फाइव, तो पांच बार ये मुड़ रहा है 2D, तो 5 × 2D यानी कि 10D हो गया। 10D का मतलब हो गया आपका कि डी आप कितने एमएम का इस्तेमाल कर रहे हैं स्टील बार, तो ये आपका 8 एमएम का है, तो 8 × 80 यानी 80 एमएम। ये तो 80 एमएम हम क्या करेंगे उसमें से माइनस कर देंगे, 80 एमएम का मतलब 3 इंची हो गया, ठीक है। तो 3 इंची, तो हमने क्या देखा था कि आपका 42 इंची तो कटिंग लेंथ हो रहा था, बाकी 6 इंच आपका हुक जा रहा था, ठीक है। हुक आपका ये होता है, ठीक, ये हुक सही नहीं है, ये हुक आपका जो होता है ना ये थोड़ा सा और मुड़ा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे और 135 डिग्री पर ये मुड़ा होना चाहिए हुक, ठीक है, ये 90 डिग्री पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो है इस तरह से अब क्या हो गया कि 3 इंच आप उसमें माइनस कर देंगे, तो आपका कितना था 48 इंच का आपका कटिंग लेंथ आ रहा था, तो उसमें से 3 इंच माइनस जब हमने कर दिया तो आपका हो गया 45 इंचेस, ठीक। तो अब क्या करेंगे, जैसे कि आपको कभी भी जो है कटिंग लेंथ निकालना हो कॉलम का, तो कॉलम के रिंग का, तो यही फार्मूला यूज करें, ठीक है। आप सबसे पहले रिंग का साइज़ देख लें कि भाई हमारी रिंग की साइज़ क्या होगी, उसमें आप जो है रिंग के साइज में उसकी जो हुक लेंथ है वो ऐड कर देंगे, और आपका 90 डिग्री पे जो मुड़ता है, कितना 90 डिग्री पे मुड़ रहा है, 90 डिग्री पे, 135 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, नंबर ऑफ बेंड कितना आ रहा है वो आप जो है उसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपका एक्चुअल कटिंग लेंथ ऑफ स्टिरअप आ जाएगा कॉलम के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने बताया कि अगर आपका 9x18 का कॉलम है तो उसके रिंग का साइज जो होगा वो 6x15 का होगा, ठीक है। अब उसमें 3-3 इंच हमने घटाया क्यों, ये हमने बताया कि कवर आपका कवर ब्लॉक लगाते हैं उसमें, ठीक है, उसकी कवरिंग घटाते हैं। उसके बाद से आपको किसी भी कॉलम का निकालना हो, किसी भी कॉलम के कॉलम का स्ट्रिप निकालना हो, रिंग का कटिंग लेंथ निकालना हो कि हमारी इसकी कटिंग लेंथ क्या आएगी या कितना ये बंडल इसमें सरिया लगेगा स्टिरअप बनाने में, तो उसका बेसिक यही फार्मूला है। आप क्या करो, सबसे पहले रिंग का साइज़ मालूम करो कि आपका रिंग का साइज़ क्या बनेगा, ठीक। ऐसा भी हमने बता दिया कि 6 इंच × 15 इंच का रिंग बनेगा, तो आपका 6 × 6 = 12, 15 × 30 आप इनको ऐड कर देंगे तो 42 इंची आ गया। फिर आप जो है इसमें हुक का लेंथ, हुक क्या होता है, हुक आपका 10D होता है, तो आप जो है हुक लेंथ, हुक आपका 2 बनता है, ठीक है, एक स्ट्रिप में 2 हुक बनेगा, तो आप हुक लेंथ इसमें ऐड कर देंगे, और प्लस जितने आपके बेंड होते हैं उसमें, जितने बेंड होंगे, आपका 90 डिग्री पर बेंड है, 135 डिग्री पर बेंड है, तो उसको आप माइनस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका कोई किसी भी स्ट्रिप की कटिंग लेंथ आसानी से आप निकाल लेंगे, ठीक। यह हमारी जो है साइट की भाषा है, मतलब साइट पर आप करंट टाइम में निकाल के बता सकते हैं आप बारबेंडर को कि हाँ भाई तुम कॉलम के साइज़ के लिए रिंग बना रहे हो तो उसकी ये कटिंग लेंथ रहेगी, इतने इंच का काट लो तुम्हारा रिंग बन जाएगा आराम से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारे वीडियो को एंजॉय करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।